हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज में अपन कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज वाला विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बूटेबल पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप डीवीडी को बूटेबल बना के भी कर सकते हैं। डीवीडी में आईसो कैप्चर बुटेबल किया और उसमें कर सकते हैं। पेन ड्राइव को बुटेबल कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हो। तो आपको ये होना चाहिए, ये पेन ड्राइव या फिर डीवीडी। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, मैंने क्या करके रखा है पहले से ही, आईसो को डीवीडी में डालकर उसको रन किया हुआ है। ये देखिए, आप इधर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ये फ्रेंच में है सब, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आप यही सेलेक्ट करना है इसमें। और फिर आपको इंस्टॉल विंडोज़ करके ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। ये आपका प्रोग्राम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इधर आपको आई एक्सेप्ट करना है, ये टर्म एंड कंडीशन रहती है लाइसेंस की। ये इधर आपको ये वो चेक बॉक्स चेक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। इस पर आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये कस्टम वाला, कस्टम पे क्लिक किया। इधर आपको बोलेगा नया पार्टीशन आपको क्रिएट करना है, नया क्लिक किया, साइज ये किया, ओके किया, ये आपका इधर पार्टीशन ऐड हो सकता है। और इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं अभी, ये फॉर्मेट किया है, फॉर्मेट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपका विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ये 7 से 8 मिनट लेता है इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैंने थोड़ा स्किप किया बीच में ताकि वीडियो लंबा ना ज़्यादा बने। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है इसमें। तो आपका विंडोज़ अभी इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी इसकी थोड़ा टाइम लेगा, इधर ये रिस्टार्ट होने को जाएगा, अभी मशीन रिस्टार्ट हो जाएगा आपका। अभी स्टार्ट हो गया है, फाइनलाइज करता है, प्रिपेयरिंग करता है जो भी है इसके रिक्वायरमेंट है, अपडेट्स वगैरह प्रिपेयरिंग करेगा अभी। एक बार और रिबूट को जाता है ये मशीन। कंप्यूटर नेम देना है इधर आपको, कोई भी मतलब जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अभी इसमें दीमान DHIMAN। ये क्यों क्यों आया है, क्योंकि मैंने ए प्रेस किया, ए प्रेस करोगे तो क्यों आएगा और क्यों ए प्रेस करोगे तो ए आएगा, इसका थोड़ा सा अलग रहता है, कीवर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं इसमें कुछ कुछ। हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अभी। 1 करके दिया है, नेक्स्ट पे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। नॉन पे क्लिक करेंगे। ये आपको बोलेगा इधर विंडोज अपडेट वगैरह इंस्टॉल करना है क्या, मैंने करनी है अभी नहीं करना है, मेरे को वो सेटिंग्स पहले से इनेबल कर दिया, नहीं चाहिए अभी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ने कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ रहा है, अभी जा रहा है। इधर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट से, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, आप यहाँ पे उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं ऑफलाइन इंस्टॉल करता हूँ, मेरे को अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ अभी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में एक बार ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको तो उधर कैसे जाना है। इस पर क्लिक किया, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था आपको, थोड़ा टाइम लेगा, ये ले लिया, हो गया। इस पर क्लिक करना आपको, अगेन सबमिट पे। अब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये वाला देखो, हाँ इस पर। अब ये ऑफलाइन आपका है, आपसे अभी पूछेगा नहीं। इस ये जैसे से सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे अभी, इस वाले पे माइक्रोसॉफ्ट वाला। हाँ इधर आपका कंप्यूटर नेम, मतलब नेम डालेंगे आपका, लॉगिन नेम क्या रखना चाहते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दीमान टू, दीमान वन नहीं टू डालूंगा, टू। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, आपका पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर हिंट करना है आपको, कोई भी हिंट, कोई भी अक्षर प्रेस कर दो जो आपको याद रखे कि आपका पासवर्ड वही है, तो आप क्या। इंस्टॉलेशन ये कलर वगैरह सेलेक्ट करता है, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो इसको लगते हैं वो इंस्टॉल कर लेता है ये। जी देखिए मैंने लॉगिन करके रखा है, अभी लॉगिन कर लिया इसमें, और दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक किया माय कंप्यूटर के ऊपर, प्रॉपर्टीज, ये आपका फ्रेंच, विंडोज 8.1 मैंने फ्रेंच लिया है। विंडोज 10 भी आप सेम पोजीशन रह, सेम प्रोसीजर रहता है, कोई भी अगर विंडोज आपको इंस्टॉल करना है तो सेम प्रोसीजर रहता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी विंडोज से रिलेटेड, कोई बीच में अटक गया, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और बता दूंगा। थैंक यू, शेयर करना मेरे इसको, और लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।